ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें, जानने के लिए आइए डालते हैं एक नजर। ग्रहण काल में मंत्र जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र से आपके सूर्य केंद्र और बुद्धि का विकास होता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण को बिल्कुल ना देखें। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न, पूड़ी आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुशा डालना जरूरी है। ग्रहण का कुप्रभाव वस्तुओं पर न पड़े, इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तेल डालें या तुलसी के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु दूध या दूध से बने व्यंजनों में तेल या तुलसी न डालें। ग्रहण के सूतक से पूर्व गंगा जल पिएं। ग्रहण काल में तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़ें। दंत धावन अभी ब्रश समझ लो न करें। चिंता करते हैं तो बुद्धिनाश होता है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना, ठिठोली आदि न करें, क्योंकि ग्रहण काल उस देवता के लिए संकट का काल है। उस समय वे ग्रह पीड़ा में होते हैं, अतः उस समय भगवान नाम जप, कीर्तन, ओमकार का जप आदि करना संबंधित ग्रहों एवं जापक दोनों के लिए हितावह है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के समय भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारकता का गला घुटेगा। जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच करता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं को भी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आसन, गोमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो दें और दूषित ओरा के शुद्धिकरण हेतु गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर सकें तो अच्छा है। ग्रहण के बाद स्नान करके खाद्य वस्तुओं में डाले गए कुश एवं तुलसी को निकाल देना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण काल तक निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या नकली गहने भी उतार दें। ग्रहण के समय गर्भवती चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीजों का उपयोग न करें, क्योंकि इससे शिशु के होंठ कटने की संभावना होती है। स्वास्थ्य मंत्र और ब्रह्मचर्य मंत्र भी जप लेना चाहिए। ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला या चोटी में कुश धारण कर लें। सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पर ध्यान रहे असली रुद्राक्ष हो, फैक्ट्री का बनाया नकली नहीं।